सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए पहले लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक से आगे की ओर झुकना, हथेलियां जमीन पर टिका देना, कोहनियां टिका देना और माथे को भी जमीन से छूने की कोशिश करना है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। उम्र से पहले बालों का सफेद हो जाना एक आम समस्या हो गया है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी इस समस्या से परेशान है कि अभी हम अपने टीनेज में ही हैं या अभी ट्वेंटीज़ में ही हैं और हमारे बाल सफ़ेद होने लगे हैं। अगर आपको भी लगता है कि उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो आज का एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए है। मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसी आसान सी योग की क्रियाएं और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आप अपने जीवन में अपना करके उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने की समस्या से दूर रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। पंछी अपने बच्चों के लिए घोंसला बना करके नहीं देते हैं, उनको बस उड़ना सिखा देते हैं और जहां वो उड़ना सीख जाते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हम जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने की चिंता लिए बैठते हैं तो ये चिंता कहीं ना कहीं हमें हमारे स्ट्रेस का कारण बनती है और उम्र से पहले बालों को भी सफ़ेद कर देती है। चिंता ना करके चिंतन करें, ईश्वर प्रणिधान करें और योगमय जीवन जिए। जानते हैं कौन सी है वो आसान सी योग की क्रियाएं जो आप करेंगे अपने सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए। ऊष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों के बल आ जाना। पहले हम आपको इसका एक छोटा सा हल्का इजी वर्जन दिखा रहे हैं जिसमें आप पंजों को जमीन पर टिका देंगे इस प्रकार से और फिर अपने हाथों को अपनी एड़ियों पर टिका देना। शरीर का वजन हाथों पर टिका हुआ, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कमर का आंख बन जाए, सांस छोड़ते हुए वापस आना। दूसरा तरीका यह है कि आप पंजों को इस प्रकार से फ्लैट कर दें और एड़ियों से भी पीछे हाथों को ले जाएं, कमर का आग बना देना, गर्दन को ढीला छोड़ देना। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, स्थिति में रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस आना और फिर वज्रासन में बैठ करके रिलैक्स हो जाना। ये दो क्रियाएं इसी सीक्वेंस में आपको करनी है। यहीं से गुरु प्रणाम आसन या जिसे हम शशांक आसन कहते हैं, नमस्ते की पोजिशन में आना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए पहले लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक से आगे की ओर झुकना, हथेलियां जमीन पर टिका देना, कोहनियां टिका देना और माथे को भी जमीन से छूने की कोशिश करना। हिप जमीन पर टिके रहेंगे, यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकना, फिर सांस भरते हुए पहले कोहनियों को उठा लेना, गर्दन को उठा लेना, हाथों को उठा लेना, पूरे शरीर को ऊंचा खींचना, नमस्ते की स्थिति में वापस आ जाना। इस ही सीक्वेंस में आप इसे 3 से 4 बार तक दोहरा सकते हैं। क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए और जाने से पहले हमारे नुस्खे ज़रूर लेते जाएं। अगर आपको भी लगता है कि आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, और हाँ, अगर उम्र के साथ सफ़ेद हो रहे हैं तो चिंता ना करें क्योंकि एज तो अपना काम करेगी, लेकिन उम्र से पहले अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको लेने हैं नीम के पत्ते और नीम के पत्तों का पेस्ट बना लीजिए। अच्छे से पेस्ट बना करके केश लेप, जिसको हम कहते हैं हेयर पैक, वो आपको अप्लाई करना है अपने पूरे स्कैल्प पर, पूरे बालों पर। 20 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद सर धो लें। आप हफ्ते में 2 बार ऐसा कर सकते हैं। साथ में आप बेर के पत्ते ले लीजिए, बेर के पत्तों का भी फाइन पेस्ट बना करके केश लेप हेयर पैक आप लगा लीजिए। 20 मिनट लगा रहने दें और फिर बालों को धो लें। चिंता ना करके चिंतन करें, ईश्वर प्रणिधान करें। योग मात्र कसरत नहीं है, जीवन शैली है। ये वो आध्यात्मिक विधा है जो जीवन के सारे दुख सारे क्लेश हरने की क्षमता रखती है। प्रकृति के साथ समय बिताएं, परमात्मा पर चीज़ों को छोड़ना सीखें, ईश्वर प्रणिधान करना सीखें। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, ये भाव अपने मन में जगा करके रखें और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने।